हर छोटे बड़े अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें हापुड़ हलचल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें। जनपद हापुड़ में भारतीय किसान यूनियन ने जब टोल पर किया हंगामा और टोल कराया फ्री, तो प्रशासन ने एक इंटर कॉलेज को मिनी हवालात में किया तब्दील। नमस्कार, मेरा नाम है ललित और आप देख रहे हैं हापुड़ हलचल। जी हाँ, जनपद हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर में भारतीय किसान यूनियन ने जब टोल पर किया हंगामा और टोल फ्री किया, तो प्रशासन ने लिया हिरासत में। स्वतंत्र भारत इंटर कॉलेज सालारपुर को मिनी हवालात में किया तब्दील। गढ़मुक्तेश्वर में भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत के निर्देशानुसार धरना और प्रदर्शन के चलते 1 जुलाई को टोल पर मंडल प्रवक्ता दिनेश खेड़ा के नेतृत्व में अल्लाहबख्शपुर टोल प्लाजा पर पहुंचे और करीब 1 घंटे टोल फ्री किया, जिसमें प्रशासन ने सभी भारतीय किसान यूनियन नेता और कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेकर स्वतंत्र भारत इंटर कॉलेज सालारपुर को हवालात में तब्दील कर लगभग 75 लोगों को गिरफ्तार किया। आइए बताते हैं आपको क्या है पूरा मामला। भारतीय किसान यूनियन के मेरठ मंडल प्रवक्ता दिनेश खेड़ा के अनुसार, किसानों और भाजपाइयों के बीच हुए हंगामे के बाद किसान यूनियन कार्यकर्ताओं पर भाजपाइयों की तरफ से मुकदमा दर्ज करा दिया गया है, लेकिन भारतीय किसान यूनियन की तरफ से पुलिस ने मुकदमा दर्ज नहीं किया है। दूसरी तरफ जिला पंचायत अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर जिला पंचायत सदस्यों पर उत्पीड़न और गाड़ी सीज करने को लेकर भारतीय किसान यूनियन में आक्रोश है। जहां भारतीय किसान यूनियन के युवा विंग के जिलाध्यक्ष जीते चौहान, दिनेश त्यागी जिला महासचिव, श्याम सुंदर त्यागी, अयूब अली प्रधान वरिष्ठ भारतीय किसान यूनियन नेता, राजेश चौहान गढ़मुक्तेश्वर ब्लॉक उपाध्यक्ष, हबीब ठेकेदार, सरदार कुंवर सिंह, शब्बू चौधरी मंडल सचिव, जिलाध्यक्ष महिला विंग बबली त्यागी, नीलम त्यागी तहसील अध्यक्ष सहित अनेक कार्यकर्ता मौजूद रहे। तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ। हम हैं हापुड़ हलचल। नमस्कार। हर छोटे बड़े अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें हापुड़ हलचल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें।